हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। तो फाइनली खजूर के सिरप की रेसिपी, जो एक परफेक्ट रेसिपी है फॉर विंटर्स स्पेशली, आप ये रेसिपी देखिए और लास्ट तक जरूर वेट कीजिएगा ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस रेसिपी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है खजूर, यानी कि डेट्स। यहाँ पे हमने 20 खजूर की सीड्स निकाल के उनको थोड़े छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ जो मैंने डेट्स यूज़ किया है वो डेट क्राउन का डेट है। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के डेट्स हैं, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है ये। आप चाहें तो ये यूज़ करें या चाहें जो भी आपके लोकल स्टोर पे मिले वो यूज़ कर लें, बट अच्छी क्वालिटी के डेट्स यूज़ करें। इसके साथ हम लेंगे एक ग्लास पानी, ये नॉर्मल टेम्परेचर का आरओ का पानी है, और एक एम्प्टी बोल लिया है। अब जो आपने एक ग्लास पानी लिया था उसको आप एक बार बॉयल कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीम निकल रही है, तो बॉयल करके मैंने गैस को बंद कर दिया है। और नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो एम्प्टी बोल आपने लिया है इसमें ये सारे खजूर के पीसेस को डाल दीजिए। उसके बाद जो बिल्कुल बॉइलिंग वाटर है उसको इस बोल में डाल दीजिए और थोड़ा सा ऐसे करके आप सारे खजूर को दबा दीजिए ताकि खजूर अच्छी तरीके से इस पानी में सेटल हो जाए। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से हमने प्रेस कर लिया। आप देख सकते हो पानी का कलर भी ऑलरेडी चेंज हो रहा है। अच्छी तरीके से आपके सारे खजूर इसमें डूब जाने चाहिए, उतना पानी आपको मेनली चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हो। बस अब इसको प्लेट से ढक के आधे घंटे के लिए हमें छोड़ देना है ताकि हमारे खजूर एकदम ही सॉफ्ट हो जाएं। तो अब बाय द वॉच आप हाफ एन आवर थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, हाफ एन आवर के बाद रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। तो अब आधा घंटा हो चुका है और जो आपके भिगोए हुए खजूर हैं वो कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं, काफ़ी सॉफ्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमने एक बोल लिया, बोल के ऊपर एक मसलिन क्लॉथ टाइप रख लिया बेसिकली, जिसमें आप अपना पनीर वगैरह घर में निकालते होंगे तो उस तरीके का कपड़ा रख लीजिए जो छानने के लिए पतला हो, साफ कपड़ा होना चाहिए। और इसमें अब आप ये पूरा मिक्स जो है वो डाल लीजिए और अब चारों तरफ से इसको बंद करके इसकी पोटली सी बना के जितना भी जूस निकल रहा है वो आप अच्छी तरीके से इसे दबाते जाइए धीरे धीरे और ये सारा का सारा जूस इसमें निकलने दीजिए। तो हमारा सारा जूस निकलने के बाद जो आपका खजूर है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। इसमें से हमने सारा जूस जो है वो प्रेस कर करके निकाल लिया है। अभी आप देख सकते हो जो आपकी जूस की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल पानी की तरह आपको लगेगी, इतना पतला होगा ये। सो अब जो हमारा जूस निकला है उसको हम गैस पे चढ़ा देते हैं। अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पे जो है हीट करते रहना है। 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होगा ये, कॉन्स्टेंटली आपको स्टर करना है ताकि ये नीचे नहीं लग जाए, नहीं तो पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और बेसिकली आपको उस कंसिस्टेंसी पे लाना है जिस कंसिस्टेंसी पे शहद होता है, या अगर आपने खजूर का सिरप देखा है जो मार्केट में मिलता है उस कंसिस्टेंसी का हो जाए तो इसका मतलब आपका सिरप जो है वो रेडी हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो हमें ऑलमोस्ट 13 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए, कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहे हैं हम, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दिया था। आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो गई है और थोड़ा सा और इसको गाढ़ा करेंगे, क्वांटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना कि 20 खजूर लेने पे आपको कम ही क्वांटिटी मिलेगी, तो आप अकॉर्डिंगली इसको बनाना। हमने सिर्फ यहाँ पे रेसिपी के लिए इतना कम क्वांटिटी ही बनाया है बिकॉज हम प्रेफर करते हैं कि हम ऑलमोस्ट लाइक हर 4-5 डेज में इसको बना लें, और ये सिर्फ कबीर के लिए है तो कम क्वांटिटी हमें ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। सो इस स्टेज पे हमने इस गैस को कर दिया है ऑफ और हम इसे उतार रहे हैं। ऑलरेडी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि ये गाढ़ा हो चुका है, ये देखो आप कितना गाढ़ा लग रहा है, पहले बिल्कुल पानी के ही जैसा था अभी गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा ठंडा होने पे और गाढ़ा हो जाएगा, क्वांटिटी बहुत ही कम हो गई है। तो अब देखते हैं इसके ठंडे होने का वेट करते हैं। सो गाइज ये देखिए ठंडा होने के बाद ये है फाइनल कंसिस्टेंसी, बिल्कुल हनी की कंसिस्टेंसी जैसा ही लग रहा है। तो बस अब आप एक ग्लास जार ले लीजिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ग्लास जार, और इसमें आप इसे डाल के स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बाहर ही एक कूल डार्क प्लेस में स्टोर करके रख सकते हैं अगर आपके यहाँ मौसम ठंडा है। अगर मौसम गर्म है तो आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसको जल्दी से बना के स्टोर कर लीजिए, अपनी फैमिली अपने बच्चों को देना शुरू कर दीजिए। अगर उन्हें अच्छा लगे तो इस वीडियो पे आके कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए मिस ना कर दें। अब इस रेसिपी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हम सबको पता है कि खजूर सर्दियों में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, खजूर खाना सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, बॉडी को एक बहुत अच्छी वार्मथ देता है, पावर पैक है एक न्यूट्रिशन का, जिसमें मतलब थोड़े से ही खजूर अगर आप खा लो तो एक अच्छा खासा न्यूट्रिशन बॉडी को मिल जाता है। इसीलिए खजूर डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। लेटली मैंने चैनल पे काफ़ी वीडियोस किए हैं विंटर से रिलेटेड, विंटर केयर, विंटर में आपको क्या खाने खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स की पावर, काफ़ी सारे वीडियोस हैं चैनल पे, अगर आप जाके पिछले कुछ दिनों के वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बार बार रिपीट किया है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग खजूर इन योर डाइट, स्पेशली इन विंटर्स। एंड वहीं पर काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं खजूर के सिरप की रेसिपी लाऊँ, तो ये स्पेशली आपकी डिमांड पर ये वीडियो लाया गया है। आई होप यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट। इसको खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको रॉ खाया जाए, यानी कि जो हमने अभी सिरप बनाया इसी को आप चम्मच में लेके चटा सकते हैं, बच्चे को बच्चा आसानी से चाट भी लेगा, बिकॉज जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल हनी की तरह है, तो कहीं चोकिंग या कहीं अटकने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बच्चा आराम से उसको काफ़ी टेस्टी लगेगा, आप खुद टेस्ट करके देखना पहले। बट अगर आपको लगता है कि बच्चा उस फॉर्म में नहीं ले रहा है तो आप इसे एज अ स्वीटनर दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जब बच्चे के लिए दलिया बनाया या आपने सूजी की खीर बनाई, कोई पॉरेज बच्चे के लिए बना रहे हो, कोई मिल्क शेक बच्चे के लिए बना रहे हो, तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये एक नेचुरल स्वीटनर का काम करेगा, एक अलग सा टेस्ट भी दे देगा, तो उस तरीके से भी आप दे सकते हैं। खजूर का ये जो सिरप का फॉर्म है ये आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हो, बट सिर्फ ध्यान रखना कि छोटी छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करना। हमें बैलेंस ये क्रिएट करना होता है कि विंटर्स में जनरली भी हम अपने आप को भी और बच्चों को भी काफ़ी गर्म ही खाना देते हैं, गर्म चीज़ें देते हैं, हर्ब्स भी देते हैं और ऐसी चीज़ें देते हैं जिनकी तासीर थोड़ी गर्म हो, तो हम ओवरडोज भी इन चीज़ों की ना कर दें जिससे बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट हो जाए, तो वो भी हमें नहीं करना है। इसीलिए छोटी छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करें। जैसे कबीर अभी 3 साल का है तो मैं दिन में उसको एक बार अगर खजूर का सिरप चटा दूं तो मुझे लगता है कि वो बहुत है और मैं उसे एक चम्मच पूरा देती हूं, तो आप अकॉर्डिंगली जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपके बेबी की एज क्या है और आप बाकी गर्म चीजें उसे कितनी दे रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगा, इंटरेस्टिंग भी लगा और यमी तो डेफिनेटली लगा ही होगा। तो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। गोवा की बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स हम पोस्ट करने वाले हैं, तो प्लीज कम एंड फॉलो अस देयर।